गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि वेपर प्रेशर के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है भैया? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाता है, तब हमारा जो प्रेशर, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, वो हमारा वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि अगर वेपर प्रेशर का अगर इन केस अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोचते क्या होगा, इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी और तब तक होती रहेगी जब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ना हो जाए। और या अगर इन केस या तो पूरा पूरा लिक्विड वेपराइज कर जाएगा। दूसरा केस हमने देखा, अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से भी ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा उस केस में। और इन ओवरऑल घटे या बढ़े पार्शियल प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ओवरऑल मीनिंग है सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने की हमेशा कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने सीखे थे। दूसरे पॉइंट क्या था कि हमेशा प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम हमेशा पी नॉट से डिनोट करते हैं, न्यूमेरिकल वाइज दिया रहता है। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, ना ही इसको सर्फेस से, ना ही इसको नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब, ना ही आपको शेप ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर हमने क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन देखा, फिर हमने देखा वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है, जो हमने फॉर्मूला हम केमिकल इक्विलिब्रियम से देखते आए, फिर हमने चीजें देखी, ठीक है। आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, 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 ठीक है। अब बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले समझो बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बबल पॉइंट। भाई बबल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपराइज हुआ होगा या पहला वेपर का बबल फॉर्म हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्स, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, ठीक है। या दूसरा पॉइंट का पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ, या उसको ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, मतलब दोनों ही एक ही बात है, या तो पहला ड्रॉप वेपर का बने या लिक्विड का पहला ड्रॉप क्या हो वेपराइज हो उसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में, इस पॉइंट में लिक्विड क्या होगा, मेरा मेजर होगा, मेजर क्वांटिटी में तो अभी भी क्या है लिक्विड है, क्योंकि अभी तो अभी एक ही बबल बना ना बेटा, एक ही ड्रॉप वेपर का फॉर्म हुआ है। और माइनर पोर्शन क्या होगा, माइनर पोर्शन आपका होगा वेपर, बोल सकता हूं मैं इस पॉइंट को। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि प्रैक्टिकली इस पॉइंट पे सब्सटेंस मेरा किस फेज में रहेगा, मतलब अगर मैं बबल पॉइंट का सिचुएशन दो, मैं पूछूं भैया प्रैक्टिकली आपका सब्सटेंस किस फेज में रहेगा, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे लिक्विड में, क्यों, क्योंकि अभी तो पहला बबल ही बना है, ऑलमोस्ट 99.999% तो आपके पास क्या है, लिक्विड है। तो जब पहला ड्रॉप बनता है और पूरा का पूरा मेजर पोर्शन लिक्विड रहता है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बबल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड कांसेप्ट आता है ड्यू पॉइंट का, ड्यू पॉइंट, अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी लिखता हूं और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं डीपी लिखूंगा, ठीक है। अब ये डीपी का मतलब क्या होता है, द पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर लिक्विड वेपराइजेस, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, वेपराइज कर रहा है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो और उसका ऐसा भी बोल सकते हो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर
condensed. ठीक है, point at which last drop of liquid vaporize, मतलब क्या हो रहा है, almost एक drop liquid का बचा, बाकी पूरा portion क्या है vapor का, या उल्टा आप देखोगे कि point at which first drop of vapor condensed, मतलब ये भी तो हो सकता है कि पूरा vapor था, उसमें पहला drop vapor का क्या हुआ, condensed होके liquid में गया, मतलब अभी भी एक ही drop बच रहा liquid का, बाकी सारा portion क्या है आपका major वेपर में. ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि मेजर पोर्शन जो तो आपका होगा प्रैक्टिकली सब्सटेंस यहां पे किस में होगा, वेपर में. देखो आप मैं ऊपर की तरफ से देखो या नीचे की तरफ से देखोगे तो भैया एक लास्ट ड्रॉप वेपर का बचा, बाकी सारा का सारा क्या हो चुका है, एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा, बाकी सारा का सारा वेपर बन चुका है. ठीक है, आप बोल सकते हो कि लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज होने वाला है, बट हुआ नहीं है. या आप ऐसा बोल सकते हो ऊपर से देखोगे, ऊपर में देखोगे तो भाई पूरा का पूरा वेपर है, हो सकता है कि एक पहला मतलब पहला ड्रॉप वेपर का क्या हुआ होगा, कंडेंस हुआ होगा. तो मीनिंग दोनों का एक ही है, सिचुएशन एक ही है. मीनिंग ये कि भाई मेजर पोर्शन तो अभी भी आपका वेपर रहेगा, माइनर पोर्शन आपका हमेशा क्या रहेगा, माइनर सब जो कंपोजिशन रहेगा वो लिक्विड का रहेगा. तो आई होप से यहां तक आपको बात समझ में आए होंगे. ठीक है, ठीक है. अब एक बात और, हमेशा ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि लिक्विड और वेपर हमेशा इक्विलिब्रियम रहते हैं बिटवीन डीपी एंड डीपी. ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन, इट एग्जिस्ट इन ओनली बिटवीन पीपी एंड पीपी. मतलब जब तक बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट है तब तक आपका लिक्विड और वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा. अब देखो बात क्या है, इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी नहीं कि आप 5-5 किलो वेपर लो और 5-5 किलो लिक्विड लो. आपका एक ड्रॉप भी वेपर रहा और पूरा का पूरा लिक्विड रहा तो भी सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में, और एक ड्रॉप लिक्विड का रहा पूरा सब्सटेंस वेपर में रहा तो भी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. कम से कम एक ड्रॉप जरूर होना चाहिए. ओवरऑल क्या होना चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए वेपर भी होना चाहिए, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है. एक ड्रॉप लिक्विड का भी बचा पूरा का पूरा वेपर है तब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, और एक ड्रॉप वेपर का बचा पूरा का पूरा लिक्विड बच रहा है तो भी आपका इक्विलिब्रियम क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है इस केस में. ठीक है बेटा, आई बात समझ में. ठीक है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट से मैं अगर बात करूं, बिफोर बीपी की बात करूं, किसकी बात करूं, बबल पॉइंट से पहले, बबल पॉइंट का मतलब क्या है, पहला ड्रॉप वेपर का बना है और पूरा का पूरा लिक्विड है, इसका मतलब बिफोर बीपी कंप्लीट क्या होगा, सब कंप्लीट क्या होगा, आपके पास लिक्विड होगा, ओनली लिक्विड होगा आपके पास. आफ्टर डीपी की बात करूं मैं, अगर मैं आफ्टर डीपी की बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, डीपी मतलब क्या भाई, एक ड्रॉप लिक्विड बचा बाकी पूरा वेपर हो चुका है, अगर वो भी वेपराइज हो गया मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ओनली वेपर. क्या बचेंगे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वेपर बचेंगे. तो आई होप से यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी. ठीक है, अब आपको याद है तो मैंने गैसेस स्ट्रीम और थर्मोडायनामिक्स दोनों में पढ़ाया है कि जब हम गैस टू लिक्विड जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, कंप्रेशन करते हैं. क्या करते हैं, कंप्रेशन ऑफ लिक्विड. मैंने पढ़ाया था याद है आपको, गैस स्टेटमेंट में पढ़ाया था, प्रेशर क्या करता है, घटाते जाते हैं, वॉल्यूम क्या करते जाता है, बढ़ाते जाते हैं. लेकिन अगर वही मैं बोलूं लिक्विड से अगर मुझे गैस जाना है तो हम उसका उल्टा करेंगे, क्या एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे हम इसका एक्सपेंशन. इसका मतलब प्रेशर में क्या करके जाऊंगा, प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटते जाता है, एक्सपेंशन में प्रेशर घटते जाता है, वॉल्यूम बढ़ते जाता है. और जब ये सिचुएशन होता है तब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है. ये कंप्रेशन वाले लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कंप्रेसिबिलिटी हमने पहले गैस स्टेट में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको नहीं आता तो रिफर माय लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, बट समझने के लिए ऐसे समझ, तो जब भी हम गैस को कंप्रेस करते हो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब ये ओवरऑल सिचुएशन कैसा बना या कैसे आपको होता है वो समझ पा रहे हो. जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ, ये कंटेनर है मेरे पास. ठीक है, क्या है मेरे पास, है कंटेनर. ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पिस्टन वाला कंटेनर लिया. क्या लिया बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्सपेंशन ले रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मेरा लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ, मतलब फुल पिस्टन तक, मतलब यहाँ पूरा टच कर रहा है, मतलब कोई जगह नहीं है. ठीक है, कोई भी जगह नहीं है. यहाँ पे लेट टेम्परेचर मेरा क्या है, ठीक है, लेट वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड कितना है, 0.4 atm मान रहा हूं मैं. इस लिक्विड का जो मैंने लिक्विड दिया उसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.4 atm. ठीक है बेटा, और कंप्लीट लिक्विड है ये आपके पास, क्या है कंप्लीट लिक्विड है आपके पास. ठीक है, वेपर प्रेशर जिसका ये और टेम्परेचर ये. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पिस्टन को रेज कर रहा हूं, पिस्टन को क्या कर रहा हूं मैं,
रेस कर रहा हूं, पिस्टन को रेस किया मैंने, पिस्टन को रेस करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको अब जैसे आपने थोड़ा सा पिस्टन रेस किया, मान थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको, तो अब यहां पे लिक्विड तो अभी भी पूरा का पूरा ऐसा ही है। अब ये होगा कि पहला ड्रॉप वेपर का फॉर्म हुआ होगा, क्या होगा पहला ड्रॉप क्या हुआ होगा? वेपर का फॉर्म हुआ होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। क्योंकि अभी मेरा क्या बोला, एक्सपेंसर जब तक तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा आपने पिस्टन उठाया तो यहाँ पे क्या पहला ड्रॉप वेपर बना, जिसको हम क्या बोलेंगे बबल पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बबल पॉइंट। अब जैसे ही बबल पॉइंट बना तो हमें पता है बबल पॉइंट के आते ही लिक्विड और वेपर क्या हो जाएंगे, मेरे इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब अगर ये एक बबल भी बना है, एक 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 ड्रॉप भी वेपर का बना है, तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम होगा तो ये एक ड्रॉप भी प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा ना सरफेस पे। इसका मतलब यहां पे जो गैप बना है मेरा, ये वाला जो गैप है, दैट ये वाला गैप को, ये वाला जो खाली गैप है ना जहां पे मेरा ये बना है वेपर बना है, ये वाला यहां पे जो गैप बना है मेरा, इसका ये खाली गैप को ब्लैक वॉल्यूम मैंने क्या माना, v1 माना। क्या माना? वॉल्यूम मैंने v1 माना। तो अगर मैं बात करूं कितना होगा वेपर बना, तो कुछ नहीं, v1 इक्वल टू nRT टेंपरेचर कांस्टेंट है, प्रेशर यहां पे क्या लोगे, ऑब्वियस बात है बबल पॉइंट बनता है, लिक्विड क्या हो चुका है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, और ये जो बबल होगा प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा सरफेस में, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। कल ही मैंने आपको समझा वेपर प्रेशर हमेशा सिंपल वेपर इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, मतलब 0.4 इनटू v1 इज इक्वल टू nRT। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैंने क्या किया, पिस्टन को ऊपर किया, पिस्टन को मैंने क्या किया और ऊपर किया, पिस्टन अगेन रेजेस, तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, और ऊपर क्या पिस्टन को मैंने, अब यहां पे क्या होगा, बबल बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे वेपर बन रहे हैं, बहुत सारे क्या बन रहे हैं वेपर बन रहे हैं, स्टिल मतलब लिक्विड और वेपर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। लेट ये जो जितना मैंने वॉल्यूम बढ़ाया पिस्टन ऊपर किया, लेट ये v2 है, तो मैं बोलूं कितना अमाउंट ऑफ वेपर बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, पिस्टन जितना ज्यादा ऊपर करते जाओगे वेपर उतना ज्यादा बनते जाएगा, मतलब क्या लिखोगे p v2 n n1 rt, लेट यहां पे n1 होता है यहां पे n2 rt, तो 0.4 v2 is equal to n2 rt। आई बात समझ में? यहाँ तक आए हो, सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ n1 बड़ा होगा या n2 बड़ा होगा, तो मैं से बात है n2 will be any how n2 will be क्या रहेगा n1 से हमेशा बड़ा रहेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही है। एक मिनट सुप्रीम देख तो यहाँ का दिख रहा है क्या अच्छा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे ना, जैसे मान लिक्विड और ऊपर किया तो ऑब्वियस बात है वेपर और ज्यादा बनेगा, इक्विलिब्रियम अभी भी स्टेबलिश है, तो पी वी टू एन टू आर टी, मतलब क्योंकि जब तक मैंने क्या बोला लिक्विड का एक ड्रॉप या वेपर का एक ड्रॉप भी मौजूद है तब तक इक्विलिब्रियम क्या रहेगा स्टेबलिश रहेगा। तो मतलब यहाँ का प्रेशर तो अभी भी क्या होगा 0.4 इनटू वी टू इनटू एन टू आर टी, इसका मतलब ऑब्वियस बात है एन टू विल बी ग्रेटर देन एन वन, जैसे जैसे आप एक्सपेंसर करते जाओगे अमाउंट ऑफ गैस भी क्या वेपर क्या होता जाएगा ज्यादा बनते जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगेन मैं क्या कर रहा हूं, फिर से पिस्टन क्या कर रहा हूं, मैं रेस कर रहा हूं, मैंने इतना बढ़ा दिया कि ऑलमोस्ट सारा गैस लिक्विड क्या हो चुका है वेपराइज हो चुका है, तो मान लो मैंने इसको बिल्कुल ऊपर तक ले गया मैं, अब इसके बाद ऊपर ले जाने की कोई जगह नहीं है, तो आप क्या देखोगे ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका गैस बन चुका है, सारा का सारा वेपर बन चुका है, एक ड्रॉप लिक्विड बच रहा है, लास्ट ड्रॉप क्या हो रहा है लिक्विड बच रहा है। ठीक है, सारा का सारा क्या है बेटा गैस है, बस एक ड्रॉप लिक्विड बच रहा है, इसका मतलब क्या लास्ट या आप बोल सकते हो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, या बोल सकते हो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेशन। ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगा वेपराइजेशन। अब दोनों बातें ना, आप ऊपर से देखो तो बोले अरे भैया ये तो सारा का सारा वेपर
वेपर है, बस एक ड्रॉप लिक्विड का बचा है। मैं सॉरी ऊपर से देखूंगा तो भैया क्या भाई पूरा वेपर है, मतलब पहला ड्रॉप वेपर का क्या हुआ, कंडेंस हुआ, मतलब एक ही लिक्विड, एक ही बबल, एक ही लिक्विड का ड्रॉप बना है, ठीक है। नीचे से देखोगे अरे भैया इसका मतलब सारा का सारा लिक्विड वेपराइज कर चुका है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज होने वाला है, मतलब ये क्या होगा, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। लेकिन अभी भी लिक्विड और वेपर क्या होंगे मेरे लिए, इक्विलिब्रियम में अभी भी रहेंगे ही बेटा। मैंने क्या बोला, एक ड्रॉप भी लिक्विड का रहेगा, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होने चाहिए आपके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अमाउंट डजंट मैटर, कोई भी मतलब नहीं, बस इतना ही मतलब है एक ड्रॉप का एड्रेस है तब इक्विलिब्रियम स्टेटस। इसका मतलब मैं बात करूं, लेट ये मैंने इसका जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा v3, तो ये हो जाएगा pv3 n3 rt, ठीक है, मतलब 0.4 into v3 is equal to n3 rt। इसका मतलब वापस आते हैं, n3 will be greater than n2 or equal to greater than n1, आई बात समझ सकते हो, तो यहां तक बात आपको आयोग से क्लियर होगी। मैं क्या कर रहा हूं, फर्दर फिर पिस्टन रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पिस्टन और रेस कर रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, अब पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा आपको, ये कन्वर्ट हो चुका होगा, ये सारा का सारा क्या है, गैस है, ये सारा का सारा क्या है, गैस है। लेट इस कंटेनर का वॉल्यूम पूरा कितना है, v4 है, क्या है, v4 है। अब यहां पे आप क्या लगा सकते हो, बॉयल्स लॉ हम लगा सकते हैं आप यहां पे आसानी से, क्यों, क्योंकि ये गैस है, कंप्लीट गैस है। अगर आप इधर का प्रेशर कितना था, P1 PV1 is equal to क्या होगा, जो भी वेपर प्रेशर होगा is equal to P into V4 P dash, मतलब जो गैस का वेपर प्रेशर था, यहां पे प्रेशर का क्या मतलब हो रहा है, लिक्विड का। आई बात समझ में, आई होप सो समझ में आया होगा, P1 V1 equal to P P dash V4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप सो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से क्या कर सकते हैं, गैस बॉल्स लॉ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो यहां तक आपको सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश, तो दिस वाज ओवरऑल योर व्हाट, बॉयल्स लॉ, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकल टर्म्स में बताऊं, अगर मैं सिर्फ सिचुएशन 4 की बात करूंगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व कैसा रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व ऐसा रहेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट गैस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्लीट इसके लिए क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो देखो सिचुएशन कुछ यहां से चालू हुआ था, कहां से, बबल पॉइंट से चालू हुआ था, बराबर ना। जब गैस फॉर्म हुआ तभी तो आप प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बना सकते हो। तो हमने ये देखा बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक मेरा प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, क्योंकि हमने क्या माना है, लिक्विड बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक मेरा क्या होता है, बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और जब तक लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा, इसके बाद तब तक आप वेपर प्रेशर का कांसेप्ट लगा सकते हो, मतलब तब तक आपका प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ड्यू पॉइंट को क्रॉस करेगा, सडनली प्रेशर में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा, ठीक है, सडनली प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आएंगी, अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा, ये अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां तक आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो, ठीक है। स्टॉप किया था अभी, कितना अभी पर पर ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे सपोज करो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है जैसे सपोज करो यहाँ पे है मेरा वेपर, ठीक है, इस कंटेनर में कोई मैंने वेपर लिया जिसका प्रेशर है, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, सॉरी वेपर है सिर्फ का प्रेशर क्या दिया हुआ है, 700 टॉर्क्स वेपर है, उसका
उसका प्रेशर दिया हुआ, मैंने वेपर प्रेशर की बात नहीं की, मैंने बोला सिर्फ वेपर या गैस आप बोल दो उसका क्या किया हुआ, प्रेशर दिया हुआ 700 टॉप, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया, 5 लीटर ले लिया। अब ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे वेपर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे वेपर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वॉल्यूम जिसका 20 लीटर है। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रेशर नाउ, अब क्या होगा, व्हाट इज द प्रेशर नाउ। तो बहुत आसान है, हमेशा मेरे से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी प्लीज वीडियो पॉज करिए, एटलीस्ट 2-3 मिनट का टाइम लीजिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, नहीं समझ में आता है या फिर अगर आप बना लेते हो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन से मैच करिए, ठीक है। तो अगर जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तब इसका मतलब क्या होगा, P1V1 = P2V2, क्यों, क्योंकि बेटा कंप्लीट वेपर है, कंप्लीट वेपर है, जब लिक्विड है ही नहीं तो इसका मतलब आप बॉल्स लगा सकते हो। तो P1V1 कितना हो जाएगा, 700 × 5 = क्या होगा, P2 × 20, मतलब कितना हो जाएगा 4, तो P2 कितना हो जाएगा 700 × 4, ठीक है बेटा। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो इसमें मैंने एक लिक्विड लिया है जिसका वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ 300 टॉप, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ 10 लीटर, ठीक है। इस पूरे कंप्लीट लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहा हूँ जिसका वॉल्यूम है कितना 5 लीटर, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। अब आपको बताना है इसी लिक्विड का व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर जिसने मेरे कल के लेक्चर वाकई बहुत ध्यान से समझा होगा तो ये तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, क्या होगा जल्दी बताओ, क्या P1V1 = P2V2 लगाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत है, क्यों बेटा, क्योंकि बेटा ये लिक्विड है, लिक्विड में कभी भी गैस लॉस नहीं लग सकते। तब बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, लिक्विड को मैंने ट्रांसफर किया दूसरे कंटेनर में तो अभी भी वेपर प्रेशर इसका 300 टॉर ही होगा, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो जब मैंने कुछ नहीं किया इसका मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बस मैंने कंटेनर को चेंज कर दिया है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कभी भी शेप साइज ऑफ द या नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप सो अभी है तो समझ में आने को। और बेहतरीन क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैंने क्या लिया, कॉम्बिनेशन लिया N2+ वाटर का, इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है और वाटर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 15 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम 15 लीटर दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 780 टॉर दिया हुआ है, ठीक है, और वेपर प्रेशर वाटर का कितना है 50 टॉर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया, क्या किया, दूसरे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, आपको बताना है व्हाट इज द टोटल प्रेशर जब मैं इसको ट्रांसफर करूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप जरूर देखिए इसको, देखो ये जो प्रेशर दिया है इसका मतलब ये टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ, क्या दिया बेटा, टोटल प्रेशर किसका, N2 और वाटर का टोटल प्रेशर, और अकेले वाटर का वेपर प्रेशर कितना 50, इसका मतलब अगर सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करूं तो कितना होगा 780 - 50, मतलब कितना होगा 730 टॉर हो जाएगा, यहां तक समझ में। अब जब आप इसको इस कंटेनर में ट्रांसफर करते हो तो क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो अभी भी कितना होगा 50 टॉर ऊपर वाले कंसेप्ट से, क्योंकि लिक्विड को आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल भी दोगे तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, वेपर प्रेशर उतना रहेगा, लेकिन N2 यहां पे आएगा, तो N2 का प्रेशर क्योंकि वो तो गैस है, गैस को अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो ऑब्वियस बात है उसके प्रेशर में थोड़ा बहुत तो क्या आएगा, वेरिएशन तो जरूर आएगा, तो इसका मतलब आप इसका प्रेशर ऑफ N2 आप कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, यहां से हम क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम लगा सकते हैं, P1V1 = P2V2, इनिशियली प्रेशर कितना था 730 था, वॉल्यूम कितना था 15 था, P2 कितना आपको निकालना है और वॉल्यूम कितना आपका 5 लीटर, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 0 3 3 9 7 3 7 2 1 9 0, तो 2 1 9 0 कितना हो रहा है टॉर हो रहा है। दूसरी बात अभी हमने अब बोला, मैंने क्या बोला, टोटल प्रेशर आपको निकालना, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 2 1 9 0 + 50, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 0, तो आई बात समझ में, तो ये आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा किसका, वाटर प्लस N2 का, समझ में आया बेटा। तो कभी भी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे तो
अगर आप गैस और वाटर का या किसी भी वेपर गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन लेते हो और दूसरे कंटेनर में चेंज भी करते हो, हमेशा याद रखना लिक्विड के वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता जब तक आप कंटेनर का टेम्परेचर सेम रख रहे हो, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हैं गैस के प्रेशर में जरूर चेंजेस आएगा। क्यों चेंजेस आएगा? क्योंकि बेटा क्योंकि यहाँ पे तो बॉयल स्लो जरूर लगना तय है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट आपको आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने जो बात की थी वो था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की हमने बात की, जिसको हम पी नॉट ए से डी नॉट करते हैं। लेकिन चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, तो आपको पढ़ना, आपको निकालना भी किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो हम अब क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सीखेंगे आपके किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है। अब मैं बात करूं सॉल्यूशन कब बनेगा, अगर मैं बोलूं भाई बोतल में आपने पानी ले लो, मैं बोलूं ये क्या सॉल्यूशन है, नहीं, लेकिन उसमें नमक चीनी या मैं रसना मिला दूं या शहद मिला दूं, तब वो क्या हो सकता है, तब वो एक सॉल्यूशन बन सकता है। तो एटलीस्ट आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। अब सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर सॉल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप नॉर्मल अटैक सॉल्यूट ऐड करोगे या तो आप क्या करोगे वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। तो अब हम दोनों का वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे सॉल्यूशन में, कि जब एक बार मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, या एक बार मैं प्योर सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तब वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पे मेरे लिए केस 1 जो आ रहा है, केस 1 जो हो जाएगा आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solid, vapor pressure solution containing non-volatile solid, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, Raoult's law बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, Raoult's law, बहुत important है, 100% JEE हो या NEET हो 100% एक question fix रहता है इसमें से, तो बहुत important है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करो solution में, तो solution क्या है, दो part है बेटा, पहला होता है आपका solute, दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट। तो आपको याद होगा सॉल्वेंट को मैं हमेशा ए से डिनोट करता हूं और सॉल्यूट को मैं हमेशा बी से डिनोट करूंगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में याद रखना सॉल्यूट मेरा बी होगा और सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, नेचर की, तो सॉल्यूट अभी हमने कौन सा लिया है, सॉल्यूट हमने लिया है नॉन वोलेटाइल, क्या लिया है, और सॉल्वेंट मेरा क्या हो जाएगा वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब सॉल्वेंट आपको लिक्विड लेना है, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्यूट आपको कैसा लेना है, सॉल्यूट फॉर्म में लेना है। तो अगर मैं फिजिकल स्टेट की इसकी बात करूं, अगर आप बोलोगे कि भैया फिजिकल स्टेट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल इसका मतलब ये किस नेचर का होगा, सॉलिड नेचर का होगा, ये किस नेचर का होगा, लिक्विड नेचर का होगा बेटा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, मोल्स की, अच्छा ये छोड़ो, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इसका तो वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो प्योर सॉलिड का तो वेपर प्रेशर जीरो होता है, लेकिन इसका क्या मानेंगे हम, पी नॉट ए मानेंगे, क्या मानेंगे हम बेटा, पी नॉट ए, ये हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा आपको, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अगर मैं मोल्स की बात करूँ, तो मोल्स क्या हो जाएगा, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाय एम ए। आई होप से यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आएगी। अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन की, किसकी बात करूँ मैं, मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, इसका एच पे मतलब एम बी बाय एन ए प्लस एम बी, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एम बी। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आप देखो ना, बस इस देखो, मैं मानता हूँ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नेचर का, बट इसका ये मतलब तो नहीं उसके कोई मोल्स नहीं होंगे। आप पानी के सॉल्यूशन में, मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 100 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, भले मानता हूँ चीनी का वेपर प्रेशर जीरो है, लेकिन उसके मोल्स तो होंगे ना, उसका कुछ का वेट तो होगा ना, सॉल्यूशन तो बना रहा है ना, सॉल्यूशन का पार्ट तो है ना, इसलिए उसका मोल्स भी होगा, उसका मोल फ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ तक आपको सिंपल समझ में। अब यहाँ स्टोरी कैसे होती है, समझो बात को, जैसे मान लो क्या किया था आपने, मैंने क्या लिया था, सॉल्वेंट ए लिया था, यहाँ पे क्या लिया, मान लो सॉल्वेंट ए लिया, सिचुएशन तो इस तरीके से होती है, जब सॉल्वेंट ए लिया था तो ऑब्वियस बात है सरफेस पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल होंगे बेटा, मेरा सिर्फ सरफेस पे मेरे ए के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। मैं और वेपर भी किसका बनेगा, सिर्फ फिर ए का ही बनेगा वेपर, ठीक है, सिर्फ ए का ही, और मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो क्या होगा, पी नॉट ए हो रहा है, पी नॉट ए, जब ये
ये कहानी तब की बात थी जब हम ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ आपके पास क्या सॉल्वेंट है, ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर दिया था, ये ऊपर जाएंगे वेपर बनेगा, मतलब कंडेंसेशन होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फिक्स होता है, एक समय के बाद क्या होता है ये दोनों इक्वल हो जाता है। अब जब ये वेपर उस सिचुएशन में जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाता है, जिस सिचुएशन में ये वेपर सरफेस अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये तब की बात थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये तो सॉल्वेंट की बात थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं सॉल्यूट बी एड कर दिया, सॉल्यूट बी मैंने क्या किया एड कर दिया। अब सिचुएशन कैसा होगा, जैसे समझो बात को सिचुएशन अब कुछ ऐसा होगा कि अब तो ये क्या होगा सॉल्यूशन किसका, ए और बी का, क्योंकि आपने मिक्स कर दिया, बी मान लो कोई नमक है या तो चीनी है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स तभी हो सकता है जब दो ए के बीच में एक बी आ जाए, दो ए के बीच भाई उनके बीच में वो बॉन्ड बना लेगा, तो आपस में जब ये बॉन्ड बना लेंगे मतलब दो ए के बीच वो बी आ गया, तभी तो मिक्स हो रहा है, तभी तो आप उसको डिसॉल्व कर पा रहे हो, बराबर, मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, मतलब आप सरफेस पे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल नहीं है, आप सरफेस पे बी के भी मॉलिक्यूल है, सिचुएशन अभी भी वही है, अभी भी वेपर तो सिर्फ ए का ही बनेगा, वेपर तो सिर्फ अभी भी ए का ही बनेगा, क्यों, बी तो बेटा मेरा नॉन वोलेटाइल है, वो तो हिलने की टेंडेंसी नहीं रखता, भले वो सरफेस पे डिसॉल्व हो चुका है, भले चीनी को आप डिसॉल्व करने के बाद वाटर के साथ वो बॉन्डिंग जरूर बना लेता है, लेकिन जब आप वेपर बनाते हो तो वेपर बनाने का ये मतलब नहीं कि वो वेपर आप चीनी का भी बनता है, इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब आप मान लो खीर वगैरह आप जब करते हो या दूध गर्म करते हो, चीनी वाला दूध ठीक है, या खीर वगैरह बनता है, तो खीर जब बनता है तो ऑब्वियसली दूध में क्या डालता है, चीनी वगैरह सब डालता है, तो जो वेपर बनता है आप कभी वेपर को ऐसे हाथ डाल के देखना वेपर, तो वो वेपर चिपचिपा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जो वेपर बना सिर्फ बेटा दूध का बना, चीनी एज इट इज वैसा का वैसा है, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल नेचर, किसी भी सॉल्यूट का किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं नॉन वोलेटाइल बोल दूं तो किसी भी कंडीशन में उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, ठीक है। अगर आप आइसक्रीम को गर्म भी करते हो इसका ये मतलब नहीं कि आइसक्रीम आज आपको मीठा भाप मिलेगा, ऐसा नहीं होता, आइसक्रीम में अभी भी सिर्फ दूध का ही भाप मिलेगा आपको, आई बात समझ में, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, डिसॉल्व हो चुका है इसका मतलब उनके बीच में वो आ चुका है, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा अभी भी आप वेपर तो सिर्फ ए के ही बनेंगे, बी को उड़ने की टेंडेंसी रखता ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है एक समय के बाद ये क्या होंगे वेपर बनते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कभी ना कभी ये भी क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ ये जल्दी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करें, ये कम, क्योंकि भैया मान लो पहले 50 मॉलिक्यूल जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ए था तो 50 मॉलिक्यूल वेपर बनता था, अब यहाँ पर हो सकता 20 ही बने, तो हो सकता है ये पहले 5 मिनट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर, हो सकता है ये 15 मिनट लग जाए, क्योंकि भैया इसका यहाँ पे सरफेस पे नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या है कम है, इस केस में जो प्रेशर होगा उसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं पी ए, मतलब क्या हो गया मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बस फर्क इतना है भाई, यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा ए के मॉलिक्यूल बनते थे वेपर के, मतलब बहुत ज्यादा वेपर बनता था ए का, अब नहीं बनेगा, अब थोड़े ही बहुत बनेंगे, ठीक है, बी का हो सकता उतना, बी का तो खैर बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस वजह से क्या हो चुका है मतलब कभी ना कभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ले तो जब ये वेपर सरफेस पे अपना प्रेशर एग्जर्ट करे उनको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या आप ऐसा बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ओके सब बात है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है सिर्फ ए की वजह से, यहाँ पे बी का कोई भी रोल नहीं है, इसका मतलब जो भी होगा इसलिए मैंने सिर्फ पी ए लिखा, मतलब क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ ए की वजह से होगा, आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है, आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो पी ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा छोटा होगा, पी नॉट ने देखने से भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल, चलो दिखाने के लिए भी मैं समझा देता हूँ, वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, और ये हमेशा आपको गिवन रहेगा, और ये आपको हमेशा क्या करना रहेगा कैलकुलेट करना रहेगा, ये आपको हमेशा क्या करना रहेगा
कैलकुलेट करना रहता है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ना, कभी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहता है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहता है कभी भी। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का बॉल करोगे तो सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, ठीक है, और अपर सरफेस से वाटर ही रहेगा। लेकिन अगर नमक चीनी का सॉरी चीनी और पानी का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, उसको वेपराइज करते हो, तो उसमें वाटर का वेपर उतना ज्यादा नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए था। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है रॉड्स का। भैया रॉड्स का क्या मानना था सुनो, ठीक है, यहां पे रॉड्स लो क्या कहता है, देखो रॉड्स का सिंपल सा मानना ये था, आसान भाषा में बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के आप कॉन्सेप्ट को समझो। भाई रॉड्स का ये मानना था कि वह किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा कि उसके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन उसका कितना है। ऑब्वियस बात है, अगर मैं एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें मोल फ्रैक्शन मतलब 70% ए है और 30% बी है, और एक सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें 50% ए और 50% बी है, तो ऑब्वियस बात है जब 70% ए है तो लिक्विड पे मतलब लिक्विड के उस सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे क्योंकि 30% बी है, तो वेपर भी ज्यादा बनेगा। और अगर मैंने 50-50 वाला लिया तो ऑब्वियस बात है ए और बी बराबर होंगे सरफेस पे, तो उतना वेपर नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर वो भी एग्जर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर ये भी एग्जर्ट करेंगे, बट जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा उसका डोमिनेटिंग नेचर भी ज्यादा। जैसे किसी कंपनी में हम बोलते हैं भाई मुकेश अंबानी रिलायंस का मालिक है, क्यों मालिक है, क्योंकि उसके कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर उसके है। तो सिंपल सी बात है भैया, मालिक बनने का ट्रेंड, मालिक बनने का रूल क्या है भाई, सीईओ बनने का ये एक ही रूल है कि जिसके जितना ज्यादा शेयर होगा वो उतना ही वो उसका उस कंपनी में उसका वर्चस्व रहेगा या मालिकाना हक रहेगा। उसी तरीके से भैया वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा जिसका जिसके सॉल्यूशन में जिस उसके कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, लेकिन कंपोनेंट भी कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जिस जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा, तो यही बोलना चाहता था बस, ठीक है। ओवरऑल आसान भाषा में लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इज directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of the component of the component in the solution, ठीक है। या तो ये लिख दो या तो लिख दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इट इज डायरेक्टली proportional to and it is directly proportional to mole fraction of solvent mole fraction of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution
क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, और उसका वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा, उसी इसी बात पर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। ओवरऑल अगर की बात की और बात करो तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, भाई वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा आपके पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये पीए बराबर हटेगा तो के इंटू एक्स है, ठीक है, ये आया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या लिया, मैं एक्स से बराबर वन ले लिया, दैट इट मीन एक्स से बराबर वन ले लिया, तो इसका मतलब पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीए बराबर हो जाएगा आपका पी नॉट इन। सिंपल से बात है ना, अगर मोल फ्रैक्शन वन है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर, बट टोटल प्रेशर ही उसी के वजह से है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करो पी ए बराबर के इंटू वन, पी ए बराबर के इंटू वन, तो इसका मुझे पता है कि पी ए, अब ये के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि पी क्योंकि यहाँ पे पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर, ये कब, जब एक्स से बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, वन रख रहा हूँ, तो पी ए और पी नॉट ए हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला आपका क्या होगा, पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये आपका रॉल्स लॉ का फॉर्मूला होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल, जब एक्स ए बराबर वन है तो जो भी वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन होगा किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि सारा का सारा तो ए ही है। तो जब इस फॉर्मूले में आप नोट करते हो के बराबर एक्स ए इंटू वन, तो के इंटू वन, और यहाँ पे पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर, इसलिए के इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो यहाँ पे मैंने के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल प्योर सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट इनटू देयर मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, समझ में आया सबको, आई होप से यहां तक। अगर जैसे मैंने किया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है मेरा, वन होता है, तो एक्स ए को मैंने क्या किया, वन माइनस एक्स बी कर दिया सपोज करो, ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, मतलब पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इसका मतलब क्या होगा कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, मतलब पी ए बराबर ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रहा है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि भाई वेपर प्रेशर में कितना घटा है, वेपर प्रेशर, तो भाई टोटल ये था पी ए जो होगा और इसको घटा तो भैया आपका क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर इसी फॉर्मूले में मैं ये चेंज करूं कि पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स बी, और ये पी नॉट मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये पी नॉट ए में क्या कर दूं इसको डिवाइड कर दूं, तो ये आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका यहाँ पे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ चुका है, जो आपको मैंने बताया था कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, उसमें से पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ये है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर टू, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर थ्री। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, यहाँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, से यहाँ तक आपको सारे समझ में आएगा, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब सिंपल सी बात है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना घटा विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, यही तो हमें चर्चा करनी है कि भैया आप कोई अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद आपका, ठीक है, कि वेपर प्रेशर कितना घटा, तो आपने क्या किया पी नॉट ए से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा दिया, जिससे आपको पता चल गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने कंपेयर किया भाई इतना घटा किसके रिस्पेक्ट में, पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में, और ये इसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमेशा किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो अभी जैसे पी नॉट ए माइनस पी ए
by P naught A is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ NB by NA plus NB. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ more fraction more detail में? मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को reverse कर रहा हूँ. तो P naught A by P naught A minus P naught B is equal to क्या हो जाएगा NB by NA plus NB minus one में क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ से subtract कर रहा हूँ. ठीक है इसमें क्या होगा P naught A माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी सॉरी पी नॉट बी क्या हो जाएगा माइनस ए सॉरी सॉरी माइनस ए ये पी ए होगा ठीक है पी नॉट ए माइनस पी ए तो ये क्या हो जाएगा पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा एन बी माइनस एन ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी एन बी एन बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पी नॉट ए पी नॉट सॉरी पी नॉट ए और पी नॉट ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा है ना और क्या होगा एक मिनट को अच्छा सॉरी दोनों को रिवर्स किया इसको रिवर्स ही नहीं किया मैंने माय मिस्टेक जब इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा एन ए प्लस एन बी बाय एन बी माइनस वन तो एन ए प्लस एन बी तो ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी बाय एन बी तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन रहा है फिर इसको मेरे ये बच क्या रहा है पी ए बाय पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी ओवरऑल मैं फिर से इसको रिवर्स कर देता हूँ P naught A minus P A by P A is equal to क्या होता है NB by NA यही relative lowering of vapor pressure इसको भी हम बोलते हैं ये चौथा formula लेकिन ये formula तब use करना use only when we have to find molecular mass of सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूज करना या सिंपल अगर वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर निकालना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालना या वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट निकालना तब फॉर्मूला यूज करेगा ये फॉर्मूला सिंपल सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम यूज करते हैं हालांकि आप ये भी यूज कर सकते हो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है ये भी यूज कर सकते हो बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इससे थोड़ा आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो ठीक है बेटा तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी ठीक है तो ये था आपका रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब मैं बात करता हूँ देखो इसके ग्राफ की तो सॉल्यूशन में जो ग्राफ होता है ना तो यहाँ पे याद रखना एक ही है एक्सेस तो एक ही रहता है वाई एक्सेस यहाँ पे आपके पास दो रहेंगे ठीक है बेटा तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ठीक है तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा देखो एक तो एक्स होगा मान लो अगर एक्स इस क्रम में बढ़ रहा है तो इस पॉइंट पे एक्स क्या होगा जीरो और हाईएस्ट मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है एक की वैल्यू वन हो सकती है तो अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वन है अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे xb की वैल्यू क्या होगी 0 और यहाँ पे अगर x 0 है तो xb की वैल्यू क्या होगी 1 होगी आई बात समझ ओवरऑल टोटल सम कितना हो सकता है 1 ही हो सकता है तो यहाँ पे अगर इस एक्सेस में इस लाइन में x की वैल्यू 1 है तो xb की वैल्यू 0 होगी तो मतलब x किस तरह बढ़ेगा तो xb इस तरह बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है मेरा 1 हो सकता है अगर x की वैल्यू 1 है ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर तो सिर्फ एक की वजह से और इसका मतलब x की वैल्यू 1 है तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा p नॉट a होगा मेरा क्या होगा p नॉट a क्यों क्योंकि मैंने भी बोला जब मोल फ्रैक्शन 1 है इसका मतलब पूरा का पूरा आपके पास क्या है प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं p नॉट a से डिनोट करते हैं अगर आप और तरफ से देखोगे इस ग्राफ को देख ग्राफ कैसा है y mx वाला ग्राफ है इसका मतलब ये ग्राफ कहां से चालू होगा ये ग्राफ यहां से चालू होगा और हाईएस्ट इसको पॉइंट को टच करेगा तो इस ग्राफ को ये क्या बोलते हैं ये बराबर होता है p नॉट a * x से आया समझ मैडम आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा ये तो तब की बात है जब मैंने क्या दिया सिर्फ x का मोल फ्रैक्शन दिया वो मैं समझाने के तौर पर बोल रहा हूं अगर मैं इसी ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं भैया ग्राफ का प्रेशर वर्सेस xb के ग्राफ को मैं अभी भी क्या कर रहा हूं xb का ऐसा ले रहा हूं xb यहां पे 0 यहां पे 1 है इसका मतलब अब ग्राफ कहां से
क्यों होगा? क्योंकि ये आपका p नॉट है। जब x भी 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 होगी। तो यहां पे क्या होगा? p नॉट a होगा। तो एक ही मीनिंग है, जब ऐसे ड्रा करो या ऐसे ड्रा करो। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। भाई क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। आपने उसमें कितना डाला? 30 ग्राम यूरिया डालते आपका क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 250।
कितने से घटा 250 से घट गया, ठीक है। दोनों का वेपर प्रेशर मतलब जो भी आप एक्स निकालोगे वो, अगर आप फिर भी डाउट है तो आप ऐसे करके देखो, p आपने निकाले 250, मुझे फार्मूला क्या था, p नॉट a माइनस pa बाय t नॉट a, तो लेट इट बी ये वैल्यू कितनी होगी, p नॉट a मेरा 300 है, 300 माइनस 250 बाय 300, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 50 बाय 300 मतलब दैट समथिंग बट 1/6। तो देख लो या तो आप एक्स भी कैलकुलेट कर लो या तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बात वही है, ठीक है। इसे ओवरऑल बोलूंगा चीजें जितने आसानी से हो सके उतनी आसानी से बनाने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला दिया था, एक्स टी बाय एक्स ए इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक्स बी आपका कितना है, एक्स बी आपका है मेरा 1/6 और ये कितना है 5/6 इंटू 1000 बाय 80। प्लीज यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी करना है सर, ठीक है। चलो आई होप से यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आएगी। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हों। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन, शुड बी डिसॉल्व्ड इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 180 gram of water to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure by 20%, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज में डालता कि वेपर प्रेशर 20% हो जाए। जब वेपर प्रेशर 20% से घटा तो जब आपको इनिशियल वेपर प्रेशर कुछ ना दिया जाता, एक ट्रिक आपको देता हूँ, इनिशियल 100 मान लो, क्या मान लो 100, मतलब पी नॉट क्या मान लो 100 मान लो, तो इसका मतलब पी आपका कितना हो जाएगा 20% से घट गया मतलब 80, उसने क्या होगा कितना ग्राम ग्लूकोज डालो, मतलब फॉर्मूला क्या लगा होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। हमेशा ये फॉर्मूला प्रिफर करो, जब भी सॉल्यूट के बारे में वेट निकालना हो या उसका मोलर मास निकालना हो, ये फॉर्मूला प्रिफर करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, का तो पी नॉट ए आपको मैंने कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, ये 80 दिया हुआ डिवाइडेड बाय 80, एन बी का मतलब डब्ल्यू मुझे निकालना है, डब्ल्यू भी मुझे निकालना है, ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180 होता है इंटू एम बी ऊपर चला जाएगा, और वाटर का कितना दिया हुआ है, सॉरी वाटर का वेट होगा 80 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी होगी, या बेटर आप ऐसे करो एन बी है मोल्स ऑफ वाटर कितना 180 ग्राम ऑफ वाटर है डिवाइडेड बाय 80 मतलब 10, चलो आसानी से करते हो इतना भी झंझट मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 20 बाय 80 इज इक्वल टू एन बी बाय 10, तो ये हो जाएगा 1/4 और एन बी बार आपका क्या हो जाएगा, एन बी बार आपका हो जाएगा 10/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5, तो वेट ऑफ कितना होगा 2.5 इंटू ग्लूकोज का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, कितना मॉलिक्यूलर मास होता है 180 होता है 180, तो दैट्स नथिंग बट इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 450 ग्राम है। आसान कुछ भी आपको इसमें हार्ड लग रहा है, आई डोंट थिंक से कुछ भी आपको हार्ड लगना चाहिए बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पे फॉरन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है। क्या बोला 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन, इज डिसॉल्वड इन 156 ग्राम, इज डिसॉल्वड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
बेंजीन के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेंपरेचर, एट दैट टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेंपरेचर इज 200 mm ऑफ Hg इज 200 mm ऑफ Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 150 mm of Hg then calculate molar mass of solid. जब भी molar mass of solid निकालना हो तो obvious बात है आप ये use करोगे ठीक है formula ठीक है चलो 20 ग्राम का non-volatile solid dissolve किया 156 ग्राम of बेंजीन तो बेंजीन का मतलब Na क्योंकि सॉल्वेंट मेरा बेंजीन है तो बेंजीन का मोलर मास मैं निकालूं अच्छा मोलर मास कितना होता है बेंजीन का ये हो जाएगा 78 आई थिंक हां 78 हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम ठीक है आपको क्या दिया हुआ एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 200 दिया हुआ ठीक है एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ मतलब पी ए आपको दिया हुआ 150 कोई बात नहीं तो मेरा फॉर्मूला भी क्या रहेगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए इसका मतलब पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ 200 पी ए 150 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाय 2 मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 बाय 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी बाय 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 बाय 3 मतलब Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी Nb की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ठीक है अगर उसने क्या पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो मोलर क्वांटिटी वेट दिया हुआ मोलर मास एम दिया हुआ था इज इक्वल टू 2/3 तो ये कितना टाइम लगेगा तो व्हाट इज द मोलर मास इज इक्वल टू 30 तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपका कोई भी चाहे एग्जाम चाहे जेई का एग्जाम चाहे नीट का एग्जाम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है बेटा ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन और है आपका ठीक है क्या बोला 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 30 ग्राम ऑफ नॉन is dissolved in 360 gram of water 360 gram of water 360 gram of water at 100 degree celsius at 100 degree celsius ठीक है if vapor pressure of solution if vapor pressure of solution is 570 mm of Hg 570 mm of Hg then calculate molar mass of solute ठीक है क्या बोला 30 ग्राम सॉल्ट और नॉन वोलेटाइल सॉल्ट 360 ग्राम हो वाटर में डाला गया इतना चलो ठीक अब मैं अगर बात करूं व्हाट इज एमबी एमबी मेरा 30 ग्राम है ठीक है और ये मुझे पता नहीं लेट एमबी को एमबी के फॉर्म में रहने देता हूं एन क्या मेरा 360 ग्राम का भैया मतलब 360 डिवाइडेड बाय 18 मतलब कितना हो जाएगा 20 मोल्स ठीक है पी ए उसने दिया हुआ है 570 एमएम ऑफ एचजी ठीक है ये सारी बातें सही है लेकिन यहाँ पे उसने प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दिया तो बिना पी नॉट ए आप कैसे निकालोगे तो प्यारे बच्चों समझो बात को ठीक है वाटर कितने पे है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर और आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है जिस प्रेशर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसका मतलब पी नॉट ए जो होगा वो क्या होगा 760 mm of Hg तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए वैलिड आप
अगर बाकी चीजों को अगर बोलेगा, मान लो अगर बेंजीन देगा तो बेंजीन का अगर नीचे बॉइलिंग पॉइंट आपको इतना दिया हुआ है कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 760 mm of है या 180 mm. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. इसका मतलब क्या, या तो वेपर प्रेशर निकलता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के बाद बराबर, क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो बॉइल हो रहा है. इसका मतलब पी नॉट आपको पता है, पी ए पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लाइक 570 माइनस 570 बाय 570 बराबर क्या हो जाएगा, एन बी मतलब एन बी डिवाइडेड बाय 20. तो ये कितना हो जाएगा 0 16 7 9 190 बाय 570 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बी बाय एन ए. तो ये कितना हो जाएगा 1/3. ठीक है, तो 1/3 मतलब एन बी बराबर कितना हो जाएगा 20/3. ठीक है, तो एन बी बराबर क्या है 30/m इज इक्वल टू 20/3. दिस और दिस कैंसल, तो ये मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा 9/2 मतलब 1.5. ठीक है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो चेक कर लीजिएगा. ठीक है, बाकी ओवरऑल सॉल्यूशन ये है. ठीक है, तो आई होप सो आपके लिए आज के लेक्चर आप बहुत एंजॉय किए होंगे. डोंट वरी, कल हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है बेटा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में आ चुके हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू. हेलो, बोलो, ये क्या कर रही हो?